आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव दर चुनाव हिंदुस्तान में घमासान के बीच एक शख्सियत और उनकी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द खूब चर्चा होती है। कौन है वो व्यक्ति, समझना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। बिहार की धमक के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी एंट्री पर जितनी चर्चाएं हो रही हैं या फिर लगातार होती रही हैं, उसमें चौथे दौर के मतदान के बाद परिस्थितियां क्या है और क्या उनकी नजर में है, बंगाल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आज इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज तक के खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी जी, AIMIM चीफ हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, 294 में से 7 सीटों पर लड़कर आपकी निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है? यानी 6 सीट पर लड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निशाना हमारे 7 सीट पर ही है और शुरुआत है, और हमको यकीन है कि बंगाल में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर, बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होने वाला है, और इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो निशाने पे मोदी भी है और ममता बनर्जी भी हैं। सबसे लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना ही तो आता है हमको। हाँ। समझौता करना आता ही नहीं है तो लड़ेंगे। तो सेक्युलर पार्टियां तो मिलती तो अच्छा होता ना। अब तो वही फिर सवाल पूछा जाएगा, सर आपने मुस्लिम वोट को बांटने के लिए यहाँ पर आ पाए हैं। देखिए, आप सेक्युलर पार्टी जो है मुझे अछूत समझती हैं, तो इससे मैं उनको, उनके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। सेक्युलर पार्टी ये समझती हैं कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे करीब भी आएंगे तो उनको लगता है कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनसे भाग जाएगा। मौजूदा जो पॉलिटिक्स हो रही है राजनीति, उसमें यही सब पार्टी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। तो यही असल झगड़ा है, और जब ये माहौल बन चुका है तो फिर कौन यार, हाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़िए, अब तो इलेक्शंस में आप तो कहीं पर मुस्लिम वर्ड नहीं सुनते, आप माइनॉरिटी वर्ड नहीं सुनते, तो मैं कहाँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, कोसों मील दूर हूँ। आपको तो सूट करता है ना सर, फिर आप बोलते हैं ना मैं शांडिल्य हूँ ना मैं जनेऊधारी हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो आपकी पॉलिटिक्स को तो ये सूट करता है। नहीं, ये तो सही है ना, कि देखिए ममता बनर्जी को आज अपने उम्र के हिस्से में इस इलेक्शन के दौरान में इनको जनता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिल्या है। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूँ ना ये 22% दलित आते हैं बंगाल के, कहाँ अलायंस करेंगे। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ और मैं ऊपर हूँ और तुम लोग तो आते भी नहीं हो, तो मतलब क्या है कि आप गुलामी करते रहो। तो यही तो है ना, कि आप देखिए कि ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। तमिलनाडु में ने कहा था कि तमिलनाडु में DMK ने कह दिया कि हम उन लोगों को काशी मथुरा जो दीगर मंदिर यात्रा पे जाएंगे उनको 25,000 से 1,00,000 देंगे। हम 1,000 करोड़ रुपये ड्रेविडियन जो मंदिर है उसको रिवाइव करने के लिए देंगे। मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि वो सरजमीन जो अन्ना दुराई और पेरियार की सरजमीन मानी जाती है, वहाँ पर ये हो रहा है, बंगाल में ये चंडी पात पड़ती है। लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस किस लिए मिला, ममता दी को? नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बोला कि मुस्लिमों एक हो जाओ एक साथ आके, तो उनके लिए तो वो देखिए अब एक 24 घंटे के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, उनका ये बोलना, उनकी ये मजबूरी थी, उनको ये बोलना जरूरी था। वो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ममता बनर्जी को बोलना चाहिए था कि भाई हिंदू ब्राह्मण भी एक हो जाए, ये जिसका गोत्रा शांडलिया है वो भी एक हो जाए, उनको बोलना चाहिए था ना भाई। आप वो नहीं बोलते, आप बोलकर क्या डर दिखा रहे हैं NPR NRC का, यही तो इनकी परेशानी है। और ममता बनर्जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि बंगाल के माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए क्या किया। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि एम्पिरिकल डेटा इनका है जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवा इसके कि सिर्फ सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर कह दिए। अरे तो भाई कलमा भी पढ़ रही है वो। अरे भाई हम क्या कोई नौटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप एक्टर को देखकर थालियां मारते रहेंगे, क्या है ये बताइए। यही हाल आप करके रख दिए हमारा, तो इसलिए हमारा इन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो इलेक्शन फिर से ही हो रहा है कि ममता बनर्जी ये बता रही है कि मैं मोदी से बड़ी हिंदू हूँ, और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना भारत में, तो एक दिन जरूर आएगा इस मुल्क में जब इसराइल की तरह यहाँ पर हर पार्टी सिर्फ
मेजोरिटी कम्युनिटी वोट्स के लिए लड़ती रहेगी। ओवैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना, आप लड़ रहे हैं ना, आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? देखिए हम उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसनसोल, बताइए आपका इशारा किस तो समझ गया मैं, आप ये बताना चाह रही हैं कि भाई मुर्शिदाबाद से मालदा में जहाँ 75% मुस्लिम है, 65% मुस्लिम है। गलत है ये, आपको गलत कह रहे हैं। डेमोग्राफी मुर्शिदाबाद में लड़ रहे हैं, मालदा में लड़ रहे हैं, आसनसोल में लड़ रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर में लड़ रहे हैं, यकीनन लड़ रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? गलती क्या, लड़ेंगे ना। तो भाई मेरे लड़ने आपकी तो छवि ऐसी है ना सर, आपको कलमा नहीं पढ़ना पड़ता है, आप तो बस जोश में जब जब मोदी जी को बोलते हैं कि ये मोदी देखो मुस्लिम के साथ फोटो खिंचाए, क्या क्या बोला था सर आपने उसमें? नहीं मेरे से आप ही के जुल्फिकार अली ने सर आपको गलत ठहरा दिया, उनका वो तो मैं तो सेल्फी खिंचा रहा था, वो पूछ रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेटर या क्या? हमने कहा नहीं सर बस सेल्फी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो चाह रहे थे कि ये जो छुपा हुआ है खुलकर आ जाए, हमारे बोलने के बाद ही तो जुल्फिकार निकला ना, वरना तो जुल्फिकार बादलों के पीछे चांद की तरह पीछे छुपा हुआ था, हमारे बोलने पे निकालना पड़ा ना बीजेपी को, भाई ये जुल्फिकार है। और जुल्फिकार क्या है मालूम? अच्छा, मोदी क्यों नहीं फोटो खिंचवा सकते मुस्लिम के साथ, क्यों नहीं खिंचवा सकते? बिल्कुल, अरे कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है उनको खिंचवाने के साथ? क्या क्या बोला था सर आपने, क्या बांग्लादेशी हो क्या? हाँ, सीए पर बोला ट्रिपल तलाक, क्या आपने ट्विस्ट दिया? नहीं ट्विस्ट नहीं दिया, देखिए हमको मीडिया ने पूछा क्या बोला होगा उसने, मैं बोला भाई मेरे को ये बोला हो सकता और कुछ नहीं। अब इसमें हमारे बोलने के बाद जुल्फिकार निकला ना, तो बीजेपी को दौड़ना पड़ा, अमित शाह ने कह दिया कि आप भी एक हिंदू से फोटो खिंचवाइए। खिंचवा रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं खिंचवाएं, हमने तो ऐसे 10 फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पे, हजारों लाखों बार वो देखा गया। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? मोदी जी अगर इतना सेकुलर हैं तो फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं आप? और क्या फोटो खिंचवाने से ही आप मुसलमानों के लिए या उस बड़े सबसे बड़ी माइनॉरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप बता दीजिए ना, कुछ नहीं कर रहे भाई, फोटो खिंचवा दिए हम फोटो देख के खुश हो जाएं, बताइए आप, यही तो प्रॉब्लम है। जुल्फिकार अली ने सर आपको ललकार दिया, वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे वो सब बोलकर, आपने उस फोटो को जरिया बनाया और आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे कि देखो वो तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ये पूछ रहे थे उसके कान में बोल रहे थे। नहीं अच्छा है, बांग्लादेशी हो क्या? मैं तो उम्मीद करूंगा कि आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में उस नौजवान लड़के को मोदी जी गुजरात से टिकट दे दें, गुजरात से टिकट दे के उसको MP बनाए लोकसभा से, देखेंगे। चलिए उसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत, देखिए ये एक तरफा मोहब्बत हो रही है, मोदी जी किसे एक तरफ, मोदी जी से एक तरफा मोहब्बत के हामी है। जुल्फिकार को जो लड़के का नाम और जुल्फिकार वाकई में है, तो उसको टिकट दे दीजिए गुजरात से या बंगाल से, देकर जिताइए नाम, MP बना दीजिए। आपके पास एक लोकसभा में MP नहीं है, आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? लेकिन आप जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सर, आप चाह रहे हैं मुस्लिम दलित कंबाइन को आप टारगेट करते हैं, यहाँ पर तो CSDS से लेकर प्रशांत किशोर ने मान लिया कि जो दलित समुदाय है वो मोदी के साथ है। अब देखिए प्रशांत किशोर साहब ने तो बहुत कुछ मान लिया ना, दिल की बात जुबान पे आई गई क्लब हाउस में, बुरा मत मानिए मगर आपकी फ्रेटर्निटी में 2 किस्म के जर्नलिस्ट हो गए, एक जो शाखा के जर्नलिस्ट हैं RSS के और दूसरा ये जो क्लब हाउस वाले जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों में एक ही यूनानिमिटी है कि ये कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम एम्पावरमेंट किसी किस्म का हो। ये जो क्लब हाउस जर्नलिस्ट हैं ये भी अंदर से शाखा के ही हैं, संघी हैं, मगर उनको नरेंद्र मोदी पर्सनली पसंद नहीं है, मगर आइडियोलॉजी वही है। यही तो मामला चल रहा है इस देश में। आप बैठ के बोलते हैं मिस्टर प्रशांत किशोर के अपीजमेंट का फलसफा है, अरे भाई मेरी बर्बादी के अफसाने यहाँ पर बन चुके हैं। अपीजमेंट अगर हुआ तो बताइए कहाँ अपीजमेंट हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ है तो आखिर क्या वजह है कि 16% मुस्लिम बच्चे 9 और 14 साल के दरमियान में स्कूल को जाते ही नहीं है। आखिर अपीजमेंट अगर हुआ है तो 38% मुसलमान की आमदनी 2,500 रुपये क्यों है रूरल बंगाल के? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर 38% जेल में क्यों है? 6% नौकरियाँ क्यों हैं? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन क्यों नहीं है? अगर अपीजमेंट हुआ है तो आज भी मालदा मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी पिया जाता है, इतना ज़्यादा कि जो WHO के गाइडलाइन से 3,000 बढ़ के
कौन सा अपीजमेंट हुआ है? क्योंकि वोट बैंक बना ना, एक पूरे समुदाय को वोट बैंक बनाया गया। नहीं नहीं सर, मेरे सवाल को सुनिए। ना ना ना, आप मैं नहीं 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 नहीं, ये मैं ये सवाल सुन सुन के कान पक चुके हैं मैडम। कोई मुसलमानों का वोट बैंक आज भी अगर आप 10 में से 8 लोगों को पूछिएगा, वो ऐसी बात कहेंगे कि हमें उसे जिताना है जो मोदी को हराएगा। नहीं, मुसलमानों सिद्दीकी से लेकर सब यही नहीं कह रहे हैं? मुसलमानों का ना कभी वोट बैंक था ना कभी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। हम मुसलमानों को एक झुंझुना दिया गया कि खिलौने देकर तुझको बहलाया गया, अरमानों में उलझाया गया, ये मामला कर दिया गया। अब वोट बैंक कहे का वोट बैंक तुम्हारा? झुंझुना पलट दिया आपने। नहीं, वोट बैंक झुंझुना पलट गया है सर, मोदी के डर से आप बाकी को हजिता। 2014 की मेरी पहली स्पीच है पार्लियामेंट की, मैंने कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ नरेंद्र मोदी को। पूरे बीजेपी के एमपी परेशान हो गए, क्या कह रहा है? बोला आपने इस मिथ को बर्बाद कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक था। मुस्लिम वोट बैंक कभी था ही नहीं यहाँ पर। हर देखिए जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, कभी एक दिन प्रोग्राम कर लीजिए आप, मैं आपको 1950 से लेके 2021 तक मिसालें दूंगा जहां पर हमेशा ये होता रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स बीजेपी को भी वोट देते हैं? नहीं, सीएसडीएस के डेटे में उसमें बताया गया कि 2014 में और 2019 में एक ही कम्युनिटी है जो जिसका वोट बीजेपी को मिला बड़ा नहीं, 6 या 8% वोट मिला बीजेपी को सीएसडीएस डेटा के, मगर दूसरे कम्युनिटी का सब बढ़ गया मोदी को वोट। हम ही तो एक खड़े हुए हैं ना एक पहाड़ की तरह, बाकी सब तो फिसल गए मोदी की तरफ। एक ही कम्युनिटी, आप सीएसडीएस के डेटा की बात कर रहे हैं, 31% वोट था मोदी का हिंदू वोट 14 में, अब 37% हो गया। उनको लगता है ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ऐसे ही निकलेंगे। हम यही कहते हैं कि ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सब बकवास है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, आपके पास मुसलमान एमपी क्यों नहीं जीता लोकसभा में? आप मुसलमानों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते आप? मैं दूसरे इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसको आप बोलेंगे ये तो इमोशनल है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ये क्यों नहीं करते। अच्छा, गुजरात में आखिरी बार मुस्लिम एमपी कब जीता था? आप जिता दीजिए ना, 84 में आप जिता कर बताइए ना हमको, अगर हम झूठे हैं आप नहीं करते। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब कांग्रेस भी आपको अछूत समझती है, आप कांग्रेस को देखिए और तमाम ऐसे राज्यों में देखिए, यहाँ पर देखिए वो अलायंस में आपके लिए जगह नहीं बनी, अब्बास सिद्दीकी के लिए बन गई, जिनके आप अगर वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पर तो आप भी हैरान रह जाएंगे महिलाओं के लिए वो कैसी बातें बोलते हैं कि एमपी बनाकर नुसरत जहां को भेजा था वो तो पाउडर मेकअप लगाने लगी। नहीं नहीं, मैं देखिए मैं ना तो वीडियो देखा हूं ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं, वो तो खुद अपना जवाब देंगे। मगर अब कोई नहीं करना चाह रहा मुझसे अलायंस, तो मैं क्या करेंगे मैडम? हमसे नहीं किए बिहार में, हम लड़े जीते। अब एक बात बताइए, गोधरा में क्या हुआ? हमने लड़ा और बीजेपी का मेयर बनने नहीं दिया वहां पर। मोडासा में हमारा मेन अपोजिशन हम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, यही तो हम बता रहे हैं कि, और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो नौजवानों में जो एक चर्निंग है वो अब इस तरह की सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स को मानने वाले नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि गोधरा में तो आपकी वजह से मेयर नहीं बन पाया बीजेपी का, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन गई आपकी। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम पर ही ये बात कही थी कि 20 सीट हम लड़े, 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता, 6 एनडीए जीता। अब मैं तो कई मरतबा आरजेडी के नेताओं से बात किया 6 महीने पहले, वो बोले, हंस के मुस्कुरा दिए, किसी ने नाराज हो गए। अब नहीं करते तो नहीं करें ना, हम क्या करें, किसी जोर जबरदस्ती कर सकते क्या? कि पॉलिटिकल करियर को समराइज करके एक सवाल जो मुझे समझ में आता है, मैं सवाल भड़काऊ भाषण बोलेंगे आप? नहीं मैं ये बोलूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स अब इस देश में बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टियों में आ गया है, आप पर आप आरोप लगता है कि आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। तीन लाइन में आप समझाइए, काउंटर कीजिए इस व्यू पॉइंट। मैं देखिए भारत के संविधान, इंटरव्यू में आप अलग बात करते हैं, हैदराबाद में जब आप माइक थाम कर उस चौराहे पे खड़े होते हैं और लोगों के बीच बोलते हैं तब आपके तेवर, आपका लहजा, सब कुछ अलग होता है। वो हमेशा रहेगा ना आपके साथ और वो आपकी छवि को बनाता है, उसको कैसे काउंटर कीजिए? तीन लाइन माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, भारत के संविधान को मजबूत करना है, जमहूरियत में लोगों को और भरोसा दिलाना है, तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, चाहे आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, छांव आए, जब तक मैं जिंदा रहूँगा ऐसा ही रहूँगा। ये मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं बदलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसी तरह रहने से ही
मैं यहाँ तक आया और आगे भी जाऊंगा, ये तो अड़चन बन जाएगा ना 294 तक, लड़ाई तक। कोई फिक्र की बात नहीं है, एक वक्त तो आएगा ना मैडम जब सब एक हो जाएंगे। आएगा? नहीं नहीं सुनिए आप, मेरा जुमला खत्म कर दीजिए। ये जुमला नहीं है अमित शाह की तरह, जब सब एक हो जाएंगे तो लोगों को देखा भाई सब काले में है सफेद में तो एक ही नजर आ रहा है, वो वक्त आएगा। अब तो सब काला होना चाह रहे हैं, अपना आपने सफेद कर लिया। नहीं नहीं सब अपना नहीं, एक मेटाफोर की तरह समझा रहा हूं, मेटाफोर की तरह। हाँ। लेकिन आप अल्टीमेटली वो इमेज तो आपकी वो है ना। अरे कोई बात नहीं मैडम, देखिए मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, ना मैं अंजना ओम कश्यप तरह एंकर हूँ कि मुझे अपना इमेज चेंज करना है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरा जो इमेज है ये ओरिजिनलिटी है, बदलेगी नहीं, ये ओरिजिनल है। देखिए ना तो मैं ये बदलूंगा ना वो, क्यों बदलना चाहिए? आप अगर आपको करेज ऑफ कन्विक्शन है तो उस पर बरकरार रहिए ना, वरना तो कल बोलेंगे ये चेंज करो वो चेंज। मुझे चेंज करना क्या भाई, हम पॉलिटिक्स में है, संविधान के दायरे में रहकर काम करें और करना भी चाहिए। टोपी भी पहनेंगे और हिंदू मुस्लिम सबके साथ फोटो डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। मुझे देखिए, मुझे किसी भी हिंदू भाई से तकलीफ थी ना है ना कभी रहेगी। मेरा मुकाबला उन लोगों से है जो अपने आप को जन्योद्धारू कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश के संविधान पर मुसल्लत करना चाहते हैं, मेरा उनसे मुकाबला रहा। लेकिन उस मेजॉरिटी को मौजूदा पार्टियों ने कन्विंस कर दिया है ना सर, कि आपने माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से हमारी अनदेखी की। वक्तिया तौर पर आपने कन्विंस किया है, मगर आप देखेंगे कि ये मैजिक शो है। हम जब स्कूल में थे तो मैजिक शो होता था, एक मैजिशियन आकर अपनी टोपी से खरगोश, कभी अपने हाथ से वो फूल निकाल कर किसी को देता था। ये मैजिक शो खत्म होगा, जब खत्म होगा, जब रियलाइज करेंगे भाई साहब ये तो तबाह बर्बाद हो गया, मैजिक शो खत्म होने वाला है। मैजिक शो अभी नहीं चलता मैडम, मैजिक शो नहीं चलता, ये पीसी सरकार की सरजमीन है ना, मैजिशियन है, खत्म हो जाएगा। अब मैजिक शो चल रहा है, देश मुतासिर है, मैजिशियन आ गया है, देखिए बोल रहे, एक दिन मैजिक शो खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमारे साथ आज तक पर आने के लिए, तमाम बातें करने बुलाने के लिए। तो ओवैसी जी ये कहते हुए कि यही उनका जो तरीका है, इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और राजनीति में एक दिन वो भी आएगा जब 6 से लेकर 294 तक का सफर वो पूरा करेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।